केसरी, ये जरूर तुम्हारा बड़ा बेटा घोटक होगा, है ना? कोई नई बात नहीं है केसरी, दूर से ही पाएगा। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। बात तो आपकी सही है बाबूजी, पता नहीं उनके हाथ की चोय 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 बाद में मेरे नसीब में हो या ना हो। हाँ बिल्कुल बेटा, आराम करो। वो मुझे हाँ चाय से याद आया। अच्छा, आप दोनों सुबह की चाय पी या नहीं पी? सुबह की चाय नहीं थी लेकिन वो हमें जमी, इसलिए हमें तुरंत वापस कर दी। अरे ऐसी कोई बात नहीं थी, तो प्रॉब्लम सिर्फ ये थी ना कि बहू ने चाय को ना गैस में पकाया था, और क्या है ना केसरी कि हम चाय की पत्ती को उबालते नहीं है। अरे सेव गैस और सेव एनर्जी है योगेश। हाँ बाहर साइलेंस हो। ये है कि यार मेरा आसाम ट्रांसफ़र हो गया और मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैं वो ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए दिल्ली गया था तो सनस्ट्रोक हो गया। तो अभी डॉक्टर ने सलाह दी है कि भाई कम से कम एक महीना आपको ये बांध के रखना पड़ेगा क्योंकि छाले छाले हो गए हैं सर के ऊपर। चलो ये तो पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई। घर पर आके देखते हैं तो घर पर यार मेहमान आके बड़े हुए हैं, और कहते हैं ना मान न मान तू मेरा मेहमान, वैसे वाली हालत है। जो मेहमान आया है वो हमारे परिवार वालों को हैरान कर रहे हैं, अब इनको यहाँ से भगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो वही सीन था आज, हमने सांडू मामा को बुलाया था कि भाई मेहमानों को भगाओ, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। मेहमान भागने के बजाय मेहमान ने तो सांडू मामा को भगा दिया। सो है थोड़ी परेशानी है भाई साहब, कुछ हेल्प कर सकते हैं आप? अच्छा, और कोई पैंतरे है अपनाने वाले मेहमानों को भगाने के लिए? देखो पैंतरे तो बहुत हैं यार, ये दिमाग तो वैसे ही कीड़े चलते रहते दिमाग में। और एक पैंतरा है जो हम यूज़ करने वाले हैं, और आप भी
थोड़ा प्रे करना कि मेहमान भाग जाए, क्योंकि क्या होता है मेहमान जब तक थोड़े समय तक होना तो बहुत अच्छे लगते हैं, अब तो आपके पर्सनल अफेयर में जब टांग लाना शुरू करते हैं तब बहुत तकलीफ होती है। ये होता है कि अभी हमारे जो घर पे जो मेहमान आए हैं वो किसी को शांति से जीने नहीं दे रहे, किसी को साथ में बैठने नहीं दे रहे, पंखा नहीं चलाने दे रहे हैं, चाय पीने नहीं दे रहे हैं, खाना नहीं खाने दे रहे हैं, कपड़े ज़्यादा पहनने नहीं दे रहे, तो ऐसा लग रहा है कि ये तो पाबंदी हो गई है, तो जेल में आ गए। तो दूसरे पैंतरे हमने इस्तेमाल करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, हो सकता है कि कल आप जब यहाँ आओ तो मेहमान यहाँ से चले गए हों, और दुआ करो कि ऐसा हो, वरना फिर और कोई पैंतरा सोचना पड़ेगा। अच्छा, जब ऐसा किस्सा होता है रियल लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी से परेशानी और आप उसे दूरी बनाने की कोशिश की हो? नहीं, होता है यार, मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में होता है। देखिए क्या होता है, कई बार होता है कि जैसे हम ऐसे एक्चुअली आपसी रंजिश नहीं होती, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन होता है कि पता नहीं नहीं बनती नहीं, जब किसी से नहीं बनती तब ऐसा लगता है यार ये नहीं होना चाहिए मेरी लाइफ में या ये नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा लाइफ में मेरे साथ हुआ एक दो बार, हो सकता है कि शायद मैं उसको पसंद ना आया हूँ और मुझे भी वो पसंद नहीं आया, तो कोशिश बहुत की हमने कि कॉर्डियल रहें, लेकिन अल्टीमेटली हुआ नहीं, हम दोनों अलग हो गए, दोस्ती भी नहीं रही, वो बहुत अच्छी बात है। होता है, पता नहीं ये क्यों होता है लेकिन होता है। आपके साथ भी हुआ होगा? हाँ ज़रूर होता है, तो सबके साथ होता है भाई, मेरे साथ एक दो बार हुआ है, आपके साथ शायद ज़्यादा बार हुआ होगा। अच्छा सर, वो चाय का क्या, चाय का किस्सा बताएंगे, क्या चल रहा है, शक्कर कम डालो, बिना चाय पत्ती लाओ, अरे परेशान कर दिया चाय। ये जो मेहमान आए हैं उनको एक कीड़ा है, सब कुछ बचाओ, सेव चाय पत्ती, सेव एनर्जी। अब उनका कहना ये है कि चाय पत्ती को उबालना नहीं चाहिए, चाय पत्ती उबालोगे तो गैस एनर्जी आपकी वेस्ट होगी ना, तो बोलते हैं कि चाय पत्ती ऐसे डाल दो, गैस चालू ही मत करो, ऐसे ही पी जाओ। ऐसे कोई चाय कैसे पी सकता है यार? आप सोचो अगर ऐसे मेहमान आपके घर आए, आपको बोलो ऐसे चाय पियो, तो आप तो उसको लात मार के निकाल दोगे ना। हम तो फिर भी प्यार से निकाल रहे हैं कि भाई साहब आप जाइए, कुछ अकड़म दिकड़म करके उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फैन चालू करने नहीं दे रहे, बोले एक ही फैन के नीचे सब सो। अरे यार, बीवी बच्चे बाबूजी सब एक ही पंखे के नीचे कैसे सोएंगे? तो है, प्रॉब्लम बहुत है भाई, पर चिड़ियाघर में ये प्रॉब्लम आती रहती है, पता नहीं इसका वास्तु को ठीक करना पड़ेगा उनको। बोलो बोलो बोलो। आखिरी सवाल, आपसे नवरात्रि चल रहे तो क्या खास शो में दिखाई देगा और आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? नवरात्रि माँ दुर्गा का त्यौहार है, अम्बे माँ का त्यौहार है। देखिए हम लोगों से ये अपील करेंगे कि नवरात्रि एंजॉय कीजिए, माता का स्मरण कीजिए, माता का आपके घर में वास हो, आपको सुख समृद्धि मिले, और आपको कंपलसरी सब टीवी सोमवार से शुक्रवार देखना पड़े रात 9 बजे चिड़ियाघर। यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा और सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं, आपको भी, और आपके घर में ऐसे मेहमान कभी ना आए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जानना चाहेंगे कि चिड़ियाघर इस टाइम वाकई चिड़ियाघर बना हुआ है, ये कुछ बेहतर है? चिड़ियाघर तो हमेशा ही चिड़ियाघर बना रहता है, और हमारे शो का नाम ही चिड़ियाघर है, और लोग भी इसीलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर मिलते हैं और ऐसे अलग अलग तरीके से हम सब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो तो हमेशा रहेगा ही, और चिड़ियाघर हमेशा चिड़ियाघर ही रहेगा। अच्छा, मैम आपके सीन की बात करें, क्या सीन चल रहा है, मेहमान काफी परेशान कर रहे हैं आप? हाँ, हमारे मेहमान कुछ इस बार ऐसे आ गए हैं जो हमारा इस जो वीक का मुहावरा है वो है कि कुछ मेहमान ज़बरदस्ती गले पड़ जाते हैं, तो अभी जो हमारे मेहमान आए, जैसे कि हमेशा होता है नॉर्मली घर में जब मेहमान आते हैं तो हम थोड़ी सी बचत करते हैं, घर की जो औरतें होती कहती हैं नहीं थोड़ा संभाल के खाते हैं, घर वाले थोड़ा कम खाते हैं, मेहमानों को ज़्यादा खिलाते हैं, बट ये मेहमान ऐसे आए जो हमें सेव दिस एंड सेव दैट, सेव चम्मच, सेव पंखा, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर, वो नहाते भी हैं तो एक जगह बैठ के एक दूसरे पर पानी गंदे तरीके से नहाते हैं, इज वेरी टैगिंग। सो ये मेहमान गले पड़ गए और जो जाने का नाम नहीं ले, जो एक महीने तक रुकने वाले हैं, और ये मेहमान को ज़्यादा ही सेविंग पे आ गए तो इन्होंने हमें परेशान कर दिया। अभी जैसे मैंने उन्हें चाय ला के दी तो उन्हें चाय अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने बोला अभी जो मैंने उन्होंने सिर्फ नॉर्मल दूध और पानी मंगाया और चम्मच से वो चीनी खा रहे थे और पत्ती खा रहे थे। सो इट वॉज लाइक दैट। जो आप मेहमान है सांडू मामा को भी पीछे, सांडू मामा भी उनसे परेशान हो गए, अभी कोई नए पैंतरे अपनाने वाले आप?
हाँ देखते हैं, सांडू मामा को क्योंकि लाल रंग से एतराज़ है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने बाबूजी को भगा दिया था। अभी देखते हैं नए पैंतरे क्या अपना सकते हैं, अब लेट्स सी कैसे हमारी ये सेव गेस्ट यहाँ से जाते हैं चिड़ियाघर से। अच्छा, ऐसा कोई मेहमान आपके गले पड़ा था, मतलब रियल लाइफ में था कोई मेहमान या कोई गेस्ट? कुछ कुछ लोग आ जाते हैं बट वो मुझसे सेफ की बात नहीं करते, मैं कभी कभी पक जाती हूँ जब बहुत ज़्यादा, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मुझे मेहमानों से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कभी कभी होता है कि कुछ लोग तो फ़ोन पे ही पका देते हैं मुझे, मैं जैसे किसी को जानती नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है, मैंने ज़िंदगी में कभी नाम नहीं सुना है, मैंने देखा नहीं है, और वो कहते हैं अच्छा एक बार बात कर लो, मम्मी बोलती बेटा एक बार बात कर लो, मैं बात कर भी लेती हूँ बट वो बात करते करते सडनली हाँ आप ठीक हैं, मैं ठीक हूँ, और बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फिर उनकी शुरू होती है और बताओ, तो वो और क्या बताऊँ मुझे समझ में नहीं आता है। तो हाँ ऐसा कभी कभी होता है कि मेहमान कुछ ऐसे आ जाते हैं जो जब आपको होता है कि यार प्लीज़ चले जाओ, प्लीज गो, एनर्जी बचाने दो थोड़ी सी। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल, नवरात्रि चल रहा, किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हो, दिवाली आपके लिए कितना खास है? नवरात्रि चल रहे हैं और मेरा बड़ा मन था इस बार जाकर गरबा करने का, लेकिन क्योंकि शूटिंग कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिला है कहीं जाने का, और आने वाले दिनों में भी मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। दिवाली, लेट्स सी दिवाली कैसी सेलिब्रेट करते हैं, हमेशा हर साल वैसे हम लोग जब भी पैकअप होता है, आफ्टर पैकअप मैं घर जाके मैं और मेरी बहन हम लोग रंगोली बनाते हैं, मैं मुस्लिम हूँ बट स्टिल आई लाइक टू सेलिब्रेट दिवाली, और हम लोग थोड़ा रंगोली बनाते हैं घर में, जो रंगोली बनाने का मैं मुझे और मेरी सिस्टर को बहुत शौक है, तो देखते हैं कैसे इस बार कर सकते हैं, हमारे कोई फ्रेंड्स होते हैं तो उनके घर पर हम लोग जाते हैं और वहीं पर जाके दिवाली मनाते हैं, तो लेट्स सी इस बार कैसे मनाई जाती है दिवाली, या तो मनाऊँगी या तो सो जाऊँगी। थैंक यू। Thanks, man.